वेलकम टू जी कबड्डी। देखिए ये जो वीडियो है ये आपका है हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। कुछ बहुत इजी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टफ हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपका जो दिया गया है अच्छी बुक्स के हैं, ठीक है, दोनों ही, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बहुत अच्छे से देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें कितने क्वेश्चन कर पाएँ और कितने आप नहीं कर पाए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे टेस्ट तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि मुझे आपको ऐसे का टेस्ट और चाहिए, ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व अगर हिंदी को तो बताइएगा मैं, ठीक है, मैंने और भी वीडियो बना दूंगा। और देखिए एग्ज़ाम डेट का मैं बता दूं आपको कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा कहीं से कि क्या मैं बता दूं आपको, ठीक है, ना कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी तरह का कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना ही कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं फ़र्जी बात तो बताऊंगा नहीं कि इस ईद के बाद पेपर होने वाले हैं या इस दिन पेपर होने वाले हैं। जिस दिन कन्फर्म नोटिस मिल जाएगा कि कब होने वाले हैं मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और लेकिन कन्फर्म ये तो है कि जून में ही आपके पेपर हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि जून में पेपर हैं लगभग आपका, ये कंफर्म मानिए, ठीक है। तो बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको पता ही चल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि मुझे लग रहा है कि जो जो संस्था है वो बताना नहीं चाह रही है आपको बहुत पहले एग्ज़ाम का, ठीक है, क्योंकि भाई जो अभी UPSI में आपने देखा था कि नकल के कारण उन्हें डबल बार एग्ज़ाम कराना पड़ा था, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इशू नहीं बनाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते लोगों को बहुत पहले। मुझे लग रहा है ये एक हफ्ते के अंदर ही आपका एडमिट कार्ड जो है अपलोड करवाएंगे और एक हफ्ते के अंदर आपका पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो बस आप अपनी स्टडी में लगे रहिए, बाकी सब बातों को छोड़िए, ठीक है। आप अपने स्टडी में लगे रहिए, पेपर जब भी हो, 18 को हो, 9 को हो, उसके बाद हो, जब भी हो, वो आपकी टेंशन नहीं है। अपनी स्टडी में लगे रखिए कि जितना ज़्यादा समय मिल रहा हो उससे बेटर है कि आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सुसुप्ति का विलोम है। क्वेश्चन क्या है कि सुसुप्ति का विलोम है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए सुसुप्ति का विलोम क्या है, जागृति, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजू का विलोम है, तो आपके ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है सीधा या वक्र, तो आपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा रिजू का विलोम जो होता है वक्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि गौरव का विलोम क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा भी गया है, तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा कि गौरव का विलोम जो होता है वो होता है लाघव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बलराम का पर्यायवाची शब्द है, तो आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए बलराम का जो पर्यायवाची शब्द क्या है, ये है आपका बालभद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं व्योम या जातवेद, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची जो नहीं है, ये है आपका जातवेद, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो है वो शशि नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो अपने आंसर को टिक करिए। तो देखिए राकेश नहीं होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, ये आपका निशापति होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो अपने ऑप्शंस को टिक करिए। तो देखिए ताम्रस जो है ये मोर का पर्यायवाची नहीं है, और काल्पी जो है ये आपका मोर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आगत का विलोम क्या होगा, तो आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए आगत का विलोम जो होगा वो होगा आपका विगत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि वृद्धि का विलोम क्या है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए वृद्धि का जो विलोम होगा वो होगा 6, ठीक है। अति वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि ये भी वृद्धि से ही रिलेटेड है, वृद्धि माने बढ़ना और 6 माने घटना, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झंडे का पर्याय है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो लगभग लोगों को पता होगा, याद रखिएगा झंडे का पर्याय जो है ये आपका है पताका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गणेश का पर्यायवाची है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए हेरंग जो है, हेरप जो है, ये आपका गणेश जी का पर्यायवाची है, पर उर्वी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए जो पृथ्वी का पर्यायवाची है ये आपका है वसुंधरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिजली का पर्यायवाची है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए।
तो याद रखिएगा कि बिजली का जो पर्यायवाची होता है दामिनी होता है, ठीक है, चमकीला बिजली का पर्याय नहीं होता। नेक्स्ट क्या है कि पक्षी का पर्यायवाची है तो इंपॉर्टेंट है भी, देखिए क्या है ऑप्शंस में, आकाश गमिनी या पखेरू, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए जो पक्षी का जो पर्यायवाची है आपका, ये आपका है पखेरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है का, वन का पर्यायवाची है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बताइए क्या है, तो देखिए वन का पर्यायवाची जो है ये आपका विपिन है, और जो पीयूष जो होता है ये आपका अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि पय पर्यायवाची है काहे का, देखिए जल का या अमृत का, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए पय पर्यायवाची होता है जल का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊंचे दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में, और आपके प्रैक्टिस सेट्स में भी यही दिए हुए हैं। तो कमेंट मत करिएगा कि सर आपने बहुत ईजी बना दिया, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट में वही आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ, बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या है कि ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ है, आप अपने ऑप्शन को टिक करिए। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मात्र दिखावा, ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ क्या होता है, मात्र दिखावा। नेक्स्ट क्या है कि चौथ का चांद होना, आपके ऑप्शन दिखाए हैं अत्यधिक खूबसूरत या किसी के लिए अशुभ होना, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए चौथ का चांद मतलब होता है किसी के लिए क्या होता है, अशुभ होना, ठीक है, चौथ का चांद देखना अशुभ माना जाता है, तो इस कारण यहाँ पर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, घर का भेदी लंका ढाए मुहावरे का अर्थ है, अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए जो अपना घर का भेदी लंका ढाए का मुहावरे का जो अर्थ क्या है, आपसी फूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो अपने करेक्ट आंसर को समझिए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ना समझ को उपदेश देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, राम ने रावण को तीर से मारा में प्रयुक्त कारक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपके ऑप्शन दिखा दे रहे हैं करण कारक और अधिकरण कारक, तो दोनों में कौन सा ऑप्शन ठीक है आप लगा लीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका है करण कारक, ठीक है। राम ने रावण को तीर से मारा, प्रयुक्त कारक में जो है करण कारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, प्रयुक्त कारक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है कि अपदान कारक है, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में प्रयुक्त कारक जो है ये आपका है अपदान कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हिंदी में समास का प्रयोग है, यानी हिंदी में समास का प्रयोग क्या है, शब्दों को बड़ा करना या फिर शब्दों को संक्षिप्त करना, तो अपने करेक्ट आंसर पर टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि शब्दों को संक्षिप्त करना, ठीक है, हिंदी में समास का प्रयोग जो होता है आपका शब्दों को संक्षिप्त करना। नेक्स्ट क्या है कि देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो यार कहेगा कि देवेंद्र में जो प्रयुक्त संधि है ये आपकी एक गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कभी मुट्ठी भर चना कभी वह भी मना मुहावरे का अर्थ है, तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी चने बहुत खाने को मिलते हैं या फिर जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये सेकेंडरी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि नाच न आए आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ है, आपके ऑप्शंस हैं नाचने के लिए आंगन सीधा होना जरूरी है या फिर किसी कार्य को ना करने के लिए बहाना बनाना, तो सिंपल सी बात है सबको पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए संयुक्त व्यंजन शा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो ये दोनों ही क्या है, आयोग वाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए मूल व्यंजनों की संख्या 33 है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, तो आपके ऑप्शंस में सर्वनाम से या फिर संज्ञा और सर्वनाम से, तो याद रखिएगा सर्वनामिक विशेषण बनते हैं हमेशा सर्वनाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में बहुविग्रह समास का उदाहरण है, आपके ऑप्शंस में है दशानन या फिर चौराहा,
तो देखिए यहाँ पर दोन अगर देख लिया जाए तो ये दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण हैं, ठीक है। क्या है? दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण हैं, क्योंकि अगर पहला जो ऐसा वर्ड है वो संख्यावाचक हो तो वो द्विगु समास होता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में दशानन दिया हो और द्विगु समास ना दिया हो तो वो याद रखिएगा क्या होगा, बहुब्रीही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये अक्सर लोगों को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं, तो आपके ऑप्शंस में से या में या फिर पर, तो करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं, में या पर। जैसे कि क्वेश्चन एक वर्ड में बताता हूँ कि मेज पर पुस्तक रखी है, तो जहाँ ये पर आ रहा है इसका मीन्स क्या है, ये अधिकरण कारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अंधेरी नगरी का अर्थ है, अपने आंसर को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अन्याय की जगह, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसने पत्र लिखा जो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए उसने का जो सर्वनाम होगा ये क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में विकारी शब्द है, तो अपने आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा कि विकारी शब्द क्या है, लड़का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी में वचनों की संख्या है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए हिंदी में वचनों की संख्या जो होती है कुल दो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है, आपके ऑप्शंस हैं, अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वकील, ठीक है। वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाद का चयन कीजिए या संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं आपको, काम समाप्त करो और जाओ, और काम पूरा करो तो जुर्माना होगा। तो इसमें दो संयुक्त वाक्य कौन से हैं, तो बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है कि काम समाप्त करो और जाओ, ठीक है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्या है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए आकर चले जाएं उन्हें क्या कहेंगे, तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो उन्हें क्या कहेंगे, संचारी भाव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो आपके ऑप्शंस में आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है, या उसने खाना खाया और वह सो गया, तो करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है कि उसने खाना खाया और वह सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संघ की राज्य की जो भाषा है वो किस में है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी या फिर ब्राह्मी लिखि में लिखी हिंदी, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ये है आपका देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 343 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 14 सितंबर 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कबीर दास की भक्ति का स्वरूप कैसा था, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको पिछले टेस्ट में कराए भी हैं और आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट भी है, तो समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं, जो लगभग आपके क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में बनाए गए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो बताइए कि कबीर दास की भक्ति का स्वरूप कैसा था, तो याद रखिएगा कि ये निगुण भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्यो, शम, शा, शी, तुल, नाई आदि शब्द कहलाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपका कई बार, तो याद रखिएगा क्या कहलाते हैं, बताइए। तो याद रखिएगा ज्यो, शम, शा, शी, तुल, नाई, अगर ऐसे वर्ड आपको कहीं लिखे दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए ये कौन सा शब्द है, ये वाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुंडलियाँ छंद की उत्पत्ति होती है, आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा कि जो कुंडलियाँ छंद की उत्पत्ति होती है आपकी होती है दोहा और रोला से, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पीताम्बर में प्रयुक्त समास है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा कि पीताम्बर में प्रयुक्त समास क्या है, बहुब्रीही समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माखन चोर में प्रयुक्त समास है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा कि माखन चोर में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द होगा, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो इसके लिए शब्द होगा आपका सर्वज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो युद्ध में स्थिर हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, युधिष्ठिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपकार को याद रखने वाले के लिए क्या होगा, कृतज्ञ या कृत धन। तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कृतज्ञ। ठीक है, उपकार को याद रखने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, इसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा। तो याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं अजानुबाहु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्या है कि जिसका शोषण किया गया हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, शोषित या आशीषित। तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शोषित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसे उच्च वर्गों के द्वारा दबाया गया हो, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए, मजदूर या दलित। क्या रखिएगा, जिसे उच्च वर्गों द्वारा दबाया गया उसे कहते हैं दलित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलंकार का बेमेल है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। देखिए, अलंकार का जो मेल तो आभूषण है, पर वस्त्र अलंकार का मेल नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि पयोधि पर्याय है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। याद रखिएगा कि पयोधि पर्याय जो है समुद्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निगुण में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा, निगुण में जो प्रयुक्त उपसर्ग है ये आपका नी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अपहरण में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये, तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो हैं ये आपके हैं प्रेमचंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोदान प्रसिद्ध कृति है, तो ये लगभग लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा, तो करेक्ट आंसर टिक कर लीजिए। उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुनिए, तो अपने करेक्ट आंसर को चुनिए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, फर्स्ट अंश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। याद रखिए कि मच्छिका जो तत्सम शब्द है ये आपका है मक्खी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि समानार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो समानार्थक क्या है आपका, बेड़ा या केवट। तो याद रखिएगा, समानार्थक शब्द जो है ये आपका है बेड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में शब्द हैं, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। ये आपका जो है इसमें पूछा गया है तत्सम शब्द, क्या है निम्नलिखित में जो तत्सम शब्द कौन सा अपना, तो करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिंगू। ठीक है, हिंगू बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में आपको हींग को, तो ये इसका तत्सम रूप है। ठीक है, और जो हींग है ये आपका है तद्भव शब्द। ठीक है, याद रखिए, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि नीड़ का निर्माण रचना है, आपके ऑप्शंस में बच्चन या फिर काका कालेश्वर, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिए कि नीड़ का निर्माण जो रचना है ये आपकी है बच्चन जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईख का तत्सम है, तो आपके करेक्ट आंसर आपको दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए। यानी कि इच्छु जो होता है ये ईख का होता है तत्सम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि फाल्गुन तत्सम शब्द है, तो फाल्गुन का किस तत्सम शब्द क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फाल्गुन। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान ना हो, के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिए, जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं कूप मंडुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लड़का में प्रयुक्त प्रत्यय है, सॉरी लड़ाका में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा कि आ का प्रत्यय लगा हुआ है लड़ाका में। ठीक है, याद रखिएगा कि लिखावट में जो प्रत्यय पूछा गया, ठीक है, लिखावट में प्रयुक्त प्रत्यय है जो, तो कौन सा है बताइए। तो याद रखिएगा, लिखावट में जो प्रत्यय है ये आपका है आवट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है, तो अपने ऑप्शंस को टिक करिए। तो याद रखिएगा कि भरपेट जो है ये अव्ययभावी समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि क्षीण काय का अर्थ है, अपने ऑप्शन को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दुबला पतला शरीर मीन्स होता है क्षीण काय का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि आपकी है व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीताम्बर में प्रयुक्त समास है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो याद रखिएगा कि पीताम्बर में प्रयुक्त समास क्या है, बहुव्रीही समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब दो शब्द समान समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए। तो इसको हमेशा कहेंगे क्या,
कर्म धराय समास, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छह चरण वाला जो छंद है ये कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, तो बताइए क्या होगा ये, तो याद रखिएगा ये होगा आपका छप्पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए, तो वीर रस का स्थायी भाव जो है आपका है उत्साह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, तो बताइए इसका आंसर अब क्या होगा, याद रखिएगा कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं केशव दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आषाढ़ का एक दिन रचना है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ये बहुत इजी रचना है और आपको ये पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जयशंकर प्रसाद या फिर मोहन राकेश, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे टिक करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि करुण रस का विलोम शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निष्ठुर, ठीक है, याद रखिएगा करुण रस का विलोम होगा आपका निष्ठुर। नेक्स्ट क्या है कि गीतांजलि के रचनाकार कौन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए, तो ये करेक्ट आंसर का क्या है, टैगोर जी, और याद रखिएगा कि गीतांजलि के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार भी दिया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना याद रखिएगा टैगोर जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुरुक्षेत्र रचना है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, अक्सर यही होता है कि राइटर के पूरे नाम ना देकर आपको ऐसे दिए जाएंगे दिनकर या हरीशचंद्र, तो बताइए कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कि ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निराला का उपनाम क्या है, जो निराला किसका उपनाम है, तो बताइए, आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी का जो उपनाम है निराला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सचंदन हीरारन वासन आज्ञे का उपनाम क्या है, सॉरी मैंने आंसर भी बोल दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आज्ञे, ठीक है, याद रखिएगा कि सचंदन हीरारन वासन का जो उपनाम क्या है ये आपका है आज्ञे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, तो कौन है बताइए, सरोजिनी नायडू या फिर महादेवी वर्मा, तो ये भी करेक्ट आंसर बताइए इसका कि ये होगा आपका महादेवी वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रोध का विलोम क्या होगा, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए, तो यह क्या क्रोध का विलोम जो है आपका कृपा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह बालक जिसे गोद लिया गया हो के लिए एक वर्ड क्या होगा, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए, तो इसे बोलते हैं दंतक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो धन का वैव जो है वो अवैध करता हो, वैव क्या करता हो, अवैध तरह से करता हो, उसे क्या कहते हैं, तो बताइए, तो इसे कहते हैं आपका अपव्यापी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किसकी है, तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहा है भवानी प्रसाद मिश्र या फिर रामधारी सिंह दिनकर, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए, तो याद रखिएगा चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गजानन माघव का उपनाम क्या है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका मुक्तिबोध, याद रखिएगा गजानन माघव का उपनाम क्या है, मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो विजेता कौन है, तो आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं प्रेमचंद या फिर नामवर सिंह, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए, तो याद रखिएगा कि नामवर सिंह है साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए, तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है, तो ये आपका है साहित्य का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंसू रचना है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए, याद रखिएगा ये प्रसाद जी की रचना है आंसू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूस की रात रचना है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए, और बहुत हिट रचना है, बहुत अच्छी कहानी भी है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है, तो ये करेक्ट रचना किसकी है, ये आपकी है प्रेमचंद्र जी की, ठीक है, याद रखिएगा पूस की रात रचना किसकी है, प्रेमचंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पल्लव रचना है, तो इसमें आपके ऑप्शन दिखे हैं सुमित्रा नंदन पंद्र या फिर महादेवी वर्मा, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए, तो क्या लिखिए कि जो पल्लव रचना है ये आपकी है सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा को शुद्ध करने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए, याद रखिए कि भाषा को शुद्ध करने के लिए व्याकरण का जो ज्ञान है वो क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्या कि खां वर्ण लिया गया है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक करिए, देखिए जब ऐसा खा लिखा हो नीचे बिंदी लगा हो तो याद रखिएगा ये हमेशा उर्दू वर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खड़ी बोली को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है,
यार एक खड़ी बोली को दूसरे नाम से जाता है कौरवी नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देवनागरी लिपि है किसकी, हिंदी या बांग्ला। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं आपके प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, तो ये करेक्ट आंसर क्या है, हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका है 1800 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रस सम्राट कहा जाता है, अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए। तो यार क्या रस सम्राट कहा जाता है सूरदास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का जातीय कवि कौन है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, तुलसीदास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिव मंगल सिंह का उपनाम क्या है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका नाम है सुमन, ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रीतिवादी प्रमुख कवि हैं, अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रीतिवादी प्रमुख कवि कौन है, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए। तो यार के क्या ये जो हैं ये आपके हैं केशवदास जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की आगरा में स्थापना हुई थी, तो आपका है 1862 में या फिर 1962 में, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए। उसका करेक्ट आंसर क्या है, 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगवादी कवि हैं, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए। तो याद रखिएगा कि सच्चंदन हीरानंद वासन आज्ञ जी हैं प्रयोगवादी कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त प्रेमचंद्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गुरु माने जाते हैं, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर वल्लभाचार्य, यानी कि इनके जो गुरु माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना मुहावरे का अर्थ है, तो निर्दयी के आगे अपना दुख कहना या फिर अंधे को अपना दुख दिखाई नहीं देता। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, निर्दयी के आगे अपना दुख कहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिना घर का जो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अनाथ या अनिकेत, तो अपने करेक्ट आंसर को टिक कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अनिकेत। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस सेट के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ऐसे इसकी प्रैक्टिस सेट की और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए हिंदी की, या फिर आपकी हिंदी की तैयारी अब लगभग हो चुकी है, ठीक है, जैसा जो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।